हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। तो बेटा देखो, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था, है ना, विटामिन्स। उससे पहले भी देख लो, कुछ बच्चों को डाउट था कल की क्लास में कि हम तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो ये आपने विटामिन्स कहाँ से स्टार्ट करवा दिए। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी सारी, तो आपने देखा होगा हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे कंसेप्ट क्या कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने कल की क्लास से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करवाया था, विटामिन्स, ठीक है। कल हमने किसके बारे में डिस्कशन करी थी बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, ठीक है। और आज किसके बारे में स्टडी करेंगे हम, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। तो देखो बच्चों, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके वाटर के बीच सोल्युबल होके, वाटर में सोल्युबल होके वहां पे क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि हम दिन में क्या करते हैं, 5-6 गिलास पानी पीते हैं, ठीक है। तो वो क्या सारा पानी हमारी बॉडी में ठहरा हुआ होता है? नहीं, वो पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। और उसी वाटर में क्या मिक्स हुए हो रखे होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो ये भी हमारी बॉडी से क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अक्सर लोगों में वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की क्या रहती है बेटा, कमी रहती है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर बात करूं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मेनली तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? अच्छा, एक तुम्हारे पास होता है विटामिन सी, और दूसरा तुम्हारे पास होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी के साथ मैंने कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपके पास विटामिन बी है, ये भी फर्दर बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, इस तरह से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज हम किसकी डिस्कशन करेंगे, विटामिन सी की डिस्कशन करेंगे। ओके, लिखो बच्चा। विटामिन सी की बात करूं, तो विटामिन सी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसको और भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, कि विटामिन सी को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये जो विटामिन सी है, ये भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कल भी मीनिंग बताया था एंटीऑक्सीडेंट, मीनिंग कि हमारी बॉडी में कई बार क्या होते हैं, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल फैल जाते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन विटामिन सी अच्छी मात्रा में लेगा, तो उसकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा क्या होगी, रिड्यूस्ड ही रहेगी, कम ही रहेगी, ठीक है। तो विटामिन सी भी एक ऐसा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और क्या काम करता है बच्चा? ये वाउंड को हील करने में, ठीक है, जख्म को भरने में भी क्या करता है, तुम्हारी मदद करता है, ठीक है। इसी के साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। मींस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसमें मदद कर रहा है, हमारे आरबीसी फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। समझ आई बात?
कि मैंने क्या बताया, वाटर सोल्यूबल विटामिन दो है, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। सी के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम कि विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्या देखा कि विटामिन सी तुम्हारे पास एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, और क्या करता है बेटा, वाउंड हीलिंग में भी मदद करता है, और साथ ही साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरबीसी की फॉर्मेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि अगर मैं मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी को विटामिन सी ज्यादा मिले, ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो बेटा विटामिन सी को अच्छी मात्रा में लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे पास सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या सोर्स है तुम्हारे पास विटामिन सी का, तुम लिखो यहां पे सिट्रस फ्रूट। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम्हारे पास आ गया आंवला, ठीक है, टैमरिंड एटसेट्रा। ठीक है, तो जितनी भी खट्टी चीजें होती है, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, तुम्हारा लेमन, इनमें अच्छी खासी मात्रा में क्या पाया जाता है बेटा, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की एक और खासियत कल बताई थी मैंने कि तुम्हारे पास जितने भी विटामिन्स होते हैं, सभी विटामिन्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, लेकिन विटामिन सी इकलौता एक ऐसा विटामिन है जो क्या है बेटा, मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी एक करवाया था मैंने तुम्हें कल, समझ आई बात। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, विटामिन सी से। तो देखो विटामिन सी से क्या क्या कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाय चांस अगर तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस वजह से तुम्हें कौन सी डिजीज लग सकती है बेटा, तुम्हें होती है इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी। क्या हो जाती है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या रहता है बेटा, तुम्हारे जो मसूड़े हैं, जो गम्स है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तुम 24 घंटे थके थके फील करते हो, तुम्हारी स्किन में रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं स्कर्वी के। किस वजह से होती है स्कर्वी, जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। और क्या कोई और डिजीज भी होती है इसकी वजह से, तो हाँ बेटा एनीमिया भी हो जाता है तुम्हें विटामिन सी की कमी से। ठीक है, क्यों, विटामिन सी अच्छी मात्रा में नहीं है, विटामिन सी अच्छी मात्रा में नहीं है तो आरबीसी की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी, और आरबीसी की फॉर्मेशन अच्छे से ना हो तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है एक तरह का ये। ठीक है, सोर्सेस क्या है तुम्हारे पास, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स तुम्हारे पास पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो अब हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात। किसकी बात करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली बात कि ये जो हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसके पास कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कि इसके पास कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, ध्यान से देखना। आपके पास होता है सबसे पहले विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन, बी ट्वेल्व। ठीक है, ये कुछ विटामिन्स हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बेटा सबसे पहले इनके नाम पूछे जा सकते हैं तुम्हें। ठीक है, जैसे कि देखो विटामिन बी वन को क्या बोला जाता है, थायामीन। क्या बोला जाता है, वही हम अगर विटामिन बी टू की बात करें तो इनको बोला जाता है रिबोफ्लाविन। क्या बोला जाता है, रिबोफ्लाविन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम विटामिन बी थ्री की बात करें तो विटामिन बी थ्री को बोला जाता है नियासिन या फिर निकोटिनिन एसिड।
ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन बी फाइव। बी फाइव को क्या बोला जाता है? पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी सिक्स की बात करूं तो इसको बोला जाता है पायरोडॉक्सीन। बी सेवन की बात करें तो इसको बोला जाता है बेटा फोलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपने विटामिन बी नाइन की बात करें, ठीक है, देखो बेटा ये आपके पास बी नाइन को, ठीक है, विटामिन बी नाइन को बोला जाता है फोलिक एसिड। ठीक है, बी सेवन तुम्हारे पास बायोटीन होता है, ठीक है, और तुम्हारे पास बी ट्वेल्व जो हुआ है ये क्या है? साइनो कोबाल्टामिन। ठीक है, ध्यान से देख लो कि अभी तक हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुछ भी डिस्कशन नहीं करी। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका नाम क्या क्या है। ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि हमें विटामिन सिक्स को क्या बोलते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व को क्या बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट से, जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या हैं लिखो जरा। अच्छा, अक्सर पूछा जाता है हमें, बताओ नेम द सल्फर कंटेनिंग विटामिन। ओके, क्या पूछा जाएगा हमें, बताओ सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें बेटा सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे? विटामिन बी वन। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, हमें ऑप्शन में किस तरह से मिल रखा होता है, दे देंगे विटामिन ए बी सी और डी। ओके, अगर तो ऑप्शन में बी वन दिखेगा तुम्हें, ठीक है, तब तुम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे? बी वन को ही दोगे। लेकिन बाई चांस अगर तुम्हें ऑप्शन में बी वन नहीं दिख रहा, सिंपल बी ही दिख रहा है, तो तुम बी को ही क्या करोगे? मार्क करोगे। ठीक है, क्योंकि बी वन भी किस में आता है? बी में ही आता है। ओके, तो कौन सा वाइटमिन आपके पास ऐसा है जिसमें सल्फर पाया जाता है बेटा? वाइटमिन बी वन। ठीक है, और अगर ऑप्शन में बी वन नहीं दिख रहा, सिंपल बी दिख रहा है, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हो। याद रखना इस बात को, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन पूछा जाता तुम्हारे पास, लिखो नेम द आयरन कंटेनिंग विटामिन। कि बच्चा हमें ऐसा विटामिन बताओ जिसके पास क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास विटामिन बी नाइन है, फोलिक एसिड, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसा विटामिन है जिसके पास क्या पाया जाता है बेटा? आयरन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर मैं किसी और क्वेश्चन की बात करूं तो और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? एक और क्वेश्चन लिखो, नेम द कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि हमें उस विटामिन का नाम बताओ, या उस विटामिन के बारे में बताओ जिसमें क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा अगर तुम नाम ही देखो तो तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा कि यहां पे पाया जा रहा है कोबाल्ट, है ना, विटामिन बी ट्वेल्व के नाम में ही क्या आ रहा है? साइनो कोबाल्टामिन, कोबाल्ट। ठीक है, तो यहीं से तुम याद रखोगे कि विटामिन बी ट्वेल्व में क्या होता है तुम्हारे पास? कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, विटामिन बी ट्वेल्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। ओके,
अब देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो बेटा इसके सोर्सेस क्या क्या है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इनका फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इतने सारे विटामिन हैं ढेर से, है ना। तो हमें बताओ हमारी बॉडी को चाहिए कि हम क्या करें, इनकी मात्रा मेंटेन करके रखें अपनी बॉडी में, ठीक है। तो हम ऐसा क्या क्या खा सकते हैं जिससे हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हमें कमी ना हो। तो लिखो बेटा, सबसे पहले तुम्हारे पास आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास मीट, मिल्क, फिश, ठीक है, होल ग्रेन, स्प्राउट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ मेन सोर्स हैं किसके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। अगर तुम अच्छी मात्रा में इन चीजों को लोगे तो तुम्हारी बॉडी में कभी भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं देखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट अगर हम समझे कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, हमने नाम भी देख लिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, हमने इनके सोर्सेज भी देख लिए कि क्या क्या खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन बी की कमी नहीं होगी, लेकिन हमें ये तो बताओ कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करता क्या है हमारी बॉडी में, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तुम्हारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है आरबीसी की फॉर्मेशन करवाना। क्या करवाना बेटा? आरबीसी की फॉर्मेशन करवाना, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ये तुम्हारे डाइजेशन में भी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। क्या करता है? तुम्हारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ तुम्हारे इट आल्सो मेंटेन्स, ठीक है, द हेल्थ ऑफ लिप्स, टंग और तुम्हारे पास मसल्स, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? हमारे लिप्स को, हमारे टंग्स को, हमारे मसल्स को रेगुलेट रखते हैं, अच्छे रखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारी जो मसल मोशन होती है, ठीक है, मसल मोशन में भी हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? हेल्प करता है। अब तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक, तुम्हारी बॉडी में एक बड़ी अच्छी सी मसल पाई जाती है, हार्ट, है ना। हार्ट पूरा किससे बना हुआ? एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में लेंगे तो हमारा हार्ट भी अच्छे से क्या करेगा? फंक्शनिंग करेगा, ओके। तो ये तुम्हारे कुछ कॉमन से फंक्शन आ गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। बच्चा, फंक्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारे पास सोर्सेज से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया भी था, है ना, कि सोर्सेज मैक्सिमम तुम क्या देख रहे हो? हर जगह पे कॉमन से ही दिख रहे हैं, ओके। क्वेश्चन मेनली कहां से बनते हैं? तुम्हारे इस पोर्शन से। नाम पूछे जाएंगे विटामिन्स के और साथ ही साथ क्या पूछा जाएगा? इनसे रिलेटेड डिजीज पूछी जाती है, ओके। तो इन दो चीजों पे अच्छे से ध्यान देना आपको, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी क्या करती हूं, हर एक विटामिन के रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कशन करवाती हूं, ठीक है। लिखो बेटा, सबसे पहले डिजीज रिलेटेड टू विटामिन बी वन, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन बी वन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे तुम्हें कौन सी डिजीज लग जाती है? वेरी वेरी, ठीक है। तो क्या होता है इस डिजीज में कि तुम्हारे तुम्हारे जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा वीक पड़नी शुरू हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बैरी बैरी के कारण ना तुम्हारी जो भूख होती है, हंगर होती है, ये पूरी तरह से क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है, ठीक है। तुम्हें भूख लगनी बहुत कम हो जाती है, ऐसा ऐसा तुम्हारी बॉडी वीक पड़नी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ओके।
नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं विटामिन B2 की, तो B2 की कमी से तुम्हें क्या हो जाता है? चिलोसिस। क्या हो जाता है बेटा? चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है कि तुम्हारे जो लिप्स होते हैं, ठीक है, इनमें फिजरिंग आ जाती है, स्वेलिंग हो जाते हैं, फट जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से। कौन सी डिजीज होती है? चिलोसिस। विटामिन B1 से कौन सी होगी भाई? बेरीबेरी। नेक्स्ट लिखो विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 की बात करूं तो B3 की कमी से तुम्हें हो जाता है पिलेग्रा। क्या हो जाता है बेटा? पिलेग्रा। इसी पिलेग्रा को D3 डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? D3 डिजीज। ओके, अगर पूछा जाए कभी कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ऑप्शन में पिलेग्रा दिखेगा तो भी ठीक है, पर अगर तुम्हें D3 डिजीज दिखती है तो वो भी सही है। अब इस D3 डिजीज या फिर पिलेग्रा में होता क्या है बेटा? तुम्हारी स्किन में रैशेज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तुम्हें डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी तुम्हारे डर्मा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो इसमें दिखनी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ हमारी जो मेमोरी होती है वो भी वीक होनी शुरू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, करेंगे हम विटामिन B5 की बात। बेटा B5 की कमी से क्या होता है? वाइटनिंग ऑफ हेयर, ठीक है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो ये जो डिजीज है ये बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉमन, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनके भी सर के जो बाल हैं वो कैसे हो रहे हैं? सफेद हो रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन B5 की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। ओके, मैंने तुम्हें बताया भी था ना कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, मैक्सिमम लोगों को इनकी कमी ही रहती है 24 घंटे। क्यों? क्योंकि यूरिन के थ्रू क्या निकल जाते हैं? बॉडी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा देर रुक ही नहीं पाते बॉडी में। ओके, नेक्स्ट इसकी वजह से और क्या हो जाता है बेटा? इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी तुम्हें हो जाती है किसकी वजह से? विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, नेक्स्ट बेटा, अगर मैं विटामिन B6 की बात करूं, इससे क्या हो जाता है बेटा? मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। कौन सी डिजीज होती है बेटा तुम्हें? मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और क्या होता है? तुम्हारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी क्या हो जाता है? चेंज होता है, ठीक है, टाइम से तुम्हें नींद नहीं आती। स्लीपिंग पैटर्न कैसा हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया भी होता है। ओके, विटामिन B6 की कमी से मसल क्रैम्प, स्लीपिंग पैटर्न और एनीमिया भी होता है। और क्या होता है भाई? हमारे बॉडी में अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? ड्रीम फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अजीबोगरीब से सपने आने भी क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से। ओके, नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे विटामिन B7 की, ठीक है। तो बेटा अगर मैं विटामिन B7 की बात करूं तो इसकी कमी से तुम्हें क्या हो जाता है? हेयर फॉल। तो देखो आज के टाइम में ये भी कॉमन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो विटामिन B7 की कमी से बेटा क्या रहता है तुम्हें? हेयर फॉल रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है? स्किन रिलेटेड डिजीज, ठीक है, डर्मेटिस, ये भी तुम्हें रहती है, ठीक है। स्काल्प के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड ऐसी डिजीज, ठीक है। किस वजह से होती है? जब तुम्हारी बॉडी में विटामिन B7 की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे विटामिन 7 हो गया, 9 की बात करेंगे। तो बेटा ये जो आपके पास विटामिन 9 और विटामिन B12, विटामिन B9 और B12, इन दोनों की ही डेफिशिएंसी से तुम्हें क्या होता है? एनीमिया। ओके, तो ये था बेटा तुम्हारे पास आज का
लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन करी, वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में डिस्कशन करी, ठीक है। एक बार मैं फिर से तुम्हें बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा। लास्ट क्लास में हमने विटामिन्स अपने स्टार्ट करे थे, ओके, और उसमें हमने क्या देखा था, विटामिन्स होते क्या है, ठीक है, किन्होंने सबसे पहले विटामिन्स के बारे में हमें बताया था, विटामिन्स का बॉडी में काम क्या है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था विटामिन्स एनर्जी नहीं दे रहे तुम्हें, ठीक है, क्या कर रहे हैं बॉडी में, जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें क्या कर रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, और अगर ये कम हो जाते हैं बॉडी में तो तुम्हें बहुत सारी डिजीज फेस करनी पड़ती है। विटामिन्स की बात की, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमने कल के लेक्चर में डिस्कस करे थे, आज हम क्या किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कितने होते हैं तुम्हारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दो, एक विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले विटामिन सी की बात की, तो विटामिन सी को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, वाउंड हीलिंग एब्जॉर्प्शन करता है, आयरन की मींस की आरबीसी फॉर्म करता है, और बाई चांस अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तुम्हें स्कर्वी भी हो जाती है और तुम्हें एनीमिया भी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया तुम्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने उनके नाम भी क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने बारी बारी क्या देखा, पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे इससे रिलेटेड, सल्फर किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन बी वन में, बाई चांस ऑप्शन में बी वन नहीं होगा तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, विटामिन बी को दोगे, है ना, क्योंकि विटामिन बी वन कौन कंटेन करता है, विटामिन बी के अंदर ही आते हैं ना। आयरन किस में पाया जाता है, बी नाइन में, और तुम्हारा कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व में। नेक्स्ट हमने कॉमन सोर्सेज की बात की कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बॉडी में अच्छे रखने के लिए क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए, ओके। उसके बाद हमने बात की फंक्शंस की, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है करता क्या है भाई बॉडी के अंदर, तो देखा हमने आरबीसी की फॉर्मेशन, डाइजेशन में मदद कर रहा है, ठीक है, हमारे लिप्स, टंग, मसल्स, ठीक है, स्किन भी लिख लो, हमारी स्किन की हेल्थ को भी क्या रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है, और मसल मोशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, अब हमने बारी बारी क्या देखी कि विटामिन बी वन से कौन सी डिजीज होगी, बी टू की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है बेटा, बेरी बेरी, बी टू से चिलोसिस, बी थ्री से पिलाग्रा, इसी को डी थ्री डिजीज भी बोला जाता है। विटामिन बी फाइव की डेफिशिएंसी से सफेद हो जाते हैं सर, और किसकी प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन बी सिक्स की कमी से बेटा मसल क्रैम्प्स बढ़ते हैं, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, एनीमिया भी इससे होता है, और साथ ही साथ ड्रीम फॉर्मेशन भी हमारी एक्सट्रीम पे चली जाती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी सिक्स। नेक्स्ट हमने देखा विटामिन बी सेवन जो होता है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण बेटा क्या हो जाता है, हेयर फॉल, ठीक है, और क्या होता है, डर्मा रिलेटेड प्रॉब्लम, डर्मा किसके लिए, डर्म वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, स्किन रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की विटामिन बी नाइन और बी ट्वेल्व, और इन दोनों की ही डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमें एनीमिया होता है, ठीक है। तो देखो बच्चा, आज आपका विटामिन्स का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ओके। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि तुम्हें विटामिन्स के नेम और इनके कारण होने वाली डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मैक्सिमम हर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, ओके। तो थैंक यू।